एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान कानून और आंदोलन कर रहे किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से तीखे सवाल पूछे और तल्ख टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के तरीके से वो निराश है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फिलहाल कानून के अमल पर जोर मत दीजिए। किसानों की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वो 26 जनवरी की परेड को बाधित नहीं करेंगे। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, आज आदेश का एक हिस्सा आ सकता है। कोर्ट ने एक कमेटी बनाने की भी बात कही है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक अहम बैठक होने जा रही है। पीएम आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक शाम 4 बजे होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ आज पीएम की बैठक से पहले कई राज्यों ने फ्री वैक्सीन की मांग दोहराई है। 16 जनवरी को कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत भी होने जा रही है। बर्ड फ्लू से अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली में मृत पाए गए बत्तखों और कौओं के जो 8 सैंपल भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजे गए थे, उनमें बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। इसी तरह मुंबई के चेंबूर इलाके में मृत पाए गए कौओं में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र के परभणी में बर्ड फ्लू से 800 मुर्गियां मरी हैं। अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू पैर पसार चुका है। अगली खबर, कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली। राजद्रोह के मामले में कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी पर एक हफ्ते की रोक लगाई। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा कि कंगना को फिर बुलाकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। खेल जगत की खबर, सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। इसे भारत की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 407 रनों का लक्ष्य दिया था। हनुमा विहारी ने मैच को ड्रॉ कराने में अहम रोल निभाया। ऋषभ पंत ने शानदार 97 रन बनाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।